Okay, hi everyone. This is Dr. Nishtha Jain from Air Cruise Aviation Private Limited. And today we'll be discussing about the criteria or the requirements to get a job of a cabin crew or an air hostess or a flight steward, which are both included in the term cabin crew. Okay, so let's see. ओके सो करियर एज एयर हॉस्टेस, इसमें आपको क्या क्या करना होता है इस करियर में, इस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इसके बारे में देखेंगे आज. सो देयर शुड बी अ प्लेजेंट डिस्पोजिशन एंड यू हैव टू ग्रीट पैसेंजर्स. सो आपको पैसेंजर्स को बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही हम्बली, विथ अ स्माइल ऑन योर फेस आपको ग्रीट करना होता है, उनको गाइड करना होता है, उनको इन केस कोई हेल्प चाहिए सेटल होने में, उनकी सीट्स ढूंढने में, तो आपको उसमें हेल्प करना होता है. एंड यू हैव टू कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी. ओके, तो उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान आपको रखना है, और उसमें कुछ अगर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है तो यू हैव टू डू इट. ओके, सो वील सी अ कम्प्लीट गाइड टू यू नो बिकम एन एयर हॉस्टेस और अ फ्लाइट स्टीवर्ड. सो द स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स विच आर नेसेसरी टू बिकम एन एयर हॉस्टेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ रिक्वायर्ड. आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है पैसेंजर्स की हर नीड का, हर चीज़ का. ओके, यू हैव टू हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी. आपको बहुत ही पॉजिटिव और प्लीजिंग अपनी पर्सनैलिटी रखनी होती है, ताकि किसी को भी आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग आए, और आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएँ अगर वो इनकेस कुछ आपसे हेल्प मांगते हैं तो. Then presence of mind and initiative. Yes, you have to have a very good presence of mind. Presence of mind in the sense ki us situation mein us time par aapko kya karna hai wo quickly aapko pata hona chahiye, right? And good physique, of course you have to have a good physique, a good body figure and a good and pleasing personality as we have seen before. Okay, then patience to work for long hours. Yes, isme aapki shifts ka bhi kafi lambi hoti hain, तो आप में पेशेंस होना चाहिए इतने ज़्यादा घंटों तक काम करने का. एंड जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि इसमें टाइमिंग्स काफ़ी ऑड हो जाते हैं कभी कभी आपके रोस्टर के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आपने उतना पेशेंस होना चाहिए कि आप वैसे काम कर पाए, राइट. एंड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स ड्यूटी. यू हैव टू बी वेरी ड्यूटीफुल. आपको अपनी ड्यूटीज़ का बहुत ध्यान रखना है और उनके लिए बहुत पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल रहना है. ओके, देन द सेकेंड सेट ऑफ स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है. अ गुड अपीयरेंस, एज आई हैव मेंशन प्रीवियसली, अ गुड पर्सनैलिटी, अ गुड फिजिक एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड. ओके, कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्टिव स्किल्स. यस, आपकी कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर आप किसी भी पैसेंजर से बात भी कर रहे हैं तो आपका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. Then is language proficiency. You have to be proficient in one of the international languages, and normally aapki to jo mother tongue hai usme aapko proficient hona hi hai. And a pleasant voice, bahut achhi melodious si jo awaaz hoti hai jo kaano ko chupti nahi hai, you all know that, to wo ek pleasant voice hona chahiye aapka. Then team spirit, you should have the ability to work properly in a team. Okay, then a positive attitude and a good sense of humor. Yes, it is required sometimes. So sense of humor bhi aapka kafi acha hona chahiye. Then the eligibility criteria. Yes, you have to have a mastery in spoken English and other foreign languages as required. So aapko spoken English mein acha hona chahiye. You have to be a very good speaker in English and other foreign languages. Jaise maine aapko bataya, one international language is compulsory. Then 18 to 26 years of age, ये आपकी एज लिमिट होती है. 10+2 with degree in hospitality or any other graduate degree. Okay, so 10+2 with a degree in hospitality, hospitality की कोई एक degree या फिर कोई भी दूसरी graduate degree होना चाहिए आपके पास. Height of minimum 157.5 centimeters and weight proportionate to the height. Okay. Eligible for an Indian passport. Yes, आप eligible होने चाहिए एक Indian passport रख पाने के लिए. You should be unmarried. You should have a perfect eyesight, a good health and a fair or a clear complexion. और eye vision आपका कैसा होना चाहिए, 6/24.
ये टेक्निकलिटीज हैं, इनमें आप बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तो इट्स ओके, बट यस ये आपका आई विजन होना चाहिए जब आप चेक करवाएं तो, राइट? ओके, नाउ द एडमिशन प्रोसेस, द डिप्लोमा एंड द सर्टिफिकेट कोर्सेज. ये कोर्सेज होते हैं इनमें, एज पर एनी एयरलाइंस दीज कोर्सेज आर नॉट नीडेड. ओके, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली एट इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग दीज सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज. तो आप उन इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. उनमें एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा जिसमें आपका कम्युनिकेशन और आपके एप्टीट्यूड स्किल्स चेक होंगे. एंड एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कुछ एयरलाइंस कंडक्ट करती हैं, सारी नहीं करती. ओके, देन बीबीए एंड एमबीए प्रोग्राम्स. तो एंट्रेंस एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो क्लास 12th पास कर चुके होते हैं बट ग्रेजुएट्स नहीं होते. ओके, और जो कैंडिडेट्स हैं एमबीए प्रोग्राम के, उनके एडमिशन्स किस बेसिस पे होते हैं? उनके स्कोर के बेसिस में, जो उनके मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स हैं उनके बेसिस पे, देन उनके पर्सनल इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशंस, राइट? ओके, सो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी इनिशियली स्क्रीनिंग होगी, देन आपका एक रिटन टेस्ट होगा, देन ग्रुप डिस्कशन एंड फाइनली पर्सनल इंटरव्यू इफ यू आर सिलेक्टेड. ओके, एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स आर पुट थ्रू नेसेसरी ट्रेनिंग इन रेलिवेंट प्रोसीजर्स. यस, जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो जाते हैं इन चारों स्टेप्स के बाद, उनको फिर कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाती है कुछ अलग अलग प्रोसीजर्स में. ऑलराइट, करियर स्कोप. आफ्टर अबाउट 10 ईयर्स एज एन एयर हॉस्टेस, अपॉर्चुनिटीज सच एज ग्राउंड हॉस्टेस, चेक हॉस्टेस और अदर एयरलाइन रिलेटेड जॉब्स आर ओपन, राइट? सो जब आपको एटलीस्ट 10 साल हो जाते हैं इन वर्किंग एज एन एयर हॉस्टेस, तो उसके बाद आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ग्राउंड हॉस्टेस की, चेक हॉस्टेस की और बाकी के जो जॉब्स होते हैं एयरलाइन से रिलेटेड वो सब. ओके, नाउ द रिम्यूनरेशन. तो जो डोमेस्टिक एयरलाइंस की जो एयर हॉस्टेसेस हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 25,000 to 40,000 के बीच में होती है. सीनियर एयर हॉस्टेसेस को शायद 50,000 to 70,000 तक मिल सकती है डोमेस्टिक एयरलाइंस में. देन कुछ प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं जो इवन 1 lakh तक भी पे करते हैं. सो द सैलरीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एयरलाइंस, बट ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है जो मैंने आपको बताया है. ओके, सो द पॉपुलर सब्जेक्ट्स. ये जो सिलेबस आपका रहेगा इसकी पढ़ाई का, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं? तो एयरक्राफ्ट फेमिलियराइजेशन, देन फूड एंड केटरिंग सर्विसेज, फ्लाइट इवेल्यूएशन, फर्स्ट एड, लीडरशिप एंड इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, एमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग, एयरपोर्ट फैमिलियराइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पैसेंजर साइकोलॉजी, टेक्निकल ट्रेनिंग. बेसिक एयरक्राफ्ट फंक्शंस क्या होते हैं, उनके सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये सब आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होता है. देन इन फ्लाइट प्रोसीजर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पैसेंजर हैंडलिंग एंड ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन. ऑलराइट, ये आपका सिलेबस होता है. ओके, जो कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वो कौन से होते हैं? तो एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज के कोर्सेज, देन एयर हॉस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड, दीज बोथ आर कंबाइंडली कॉल्ड एज केबिन क्रू. देन एविएशन कार्गो, एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस बेसिक, हॉस्पिटैलिटी एंड कस्टमर सर्विसेज एंड पायलट ट्रेनिंग. ये कोर्सेज ऑफर करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस. देन करियर ऑप्शंस एंड जॉब प्रॉस्पेक्ट्स. यस, तो कौन सी एयरलाइंस हैं जो आपको ये सारे जॉब्स देती हैं, जो आपका एक करियर बनने देती हैं, इसमें हेल्प करती हैं आपकी? तो ये है एयर इंडिया, ये आपको शायद ऑलरेडी पता होगा बट स्टिल, एयर इंडिया, अलायंस एयर, देन यूनाइटेड एयर, गो एयर, जेट एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, कांतास एयरलाइंस, गल्फ एयर, डेल्टा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस एंड कैथे पैसिफिक. ओके, देन केबिन क्रू और फ्लाइट स्टीवर्ड के डूज एंड डोंट्स क्या क्या होते हैं? जब आपका असेसमेंट डे होता है तो उस दिन किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? सो यू हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस. ऑफकोर्स आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए उस दिन के लिए. यू हैव टू मेंटेन अ गुड पोस्चर, यू नो, अ बेंट पोस्चर या आड़ा टेढ़ा बैठना या खड़ा रहना is something not acceptable and of course it does not look good. So you have to make eye contact with anyone you speak with and smile. So communication mein bahut zaruri hota hai eye contact
और एक स्माइल. ओके, देन यू हैव टू एक्सपेक्ट रोल प्ले, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू. यस, ये सब चीज़ें हो सकती है असेसमेंट डे में, जैसे कि रोल प्ले आपको करने को बोल दिया जा सकता है कोई एक सिचुएशन देके, एंड ग्रुप टास्क कुछ दिया जा सकता है, जैसे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वैसे ग्रुप टास्क होते हैं, एंड इंटरव्यूज ऑफ कोर्स. ओके, व्हाट आर द डोंट्स, आपको क्या नहीं करना है. फॉरगेट टू प्रिपेयर, रिक्रूटर्स विल ईजिली नोटिस इफ यू हैवंट कम रेडी. राइट, ये तो कोई भी समझ सकता है कि अगर आप उस एग्जाम के लिए अपने असेसमेंट डे के लिए प्रिपेयर नहीं है तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो आपका यू नो एग्जाम ले रहा है, उसे इजीली समझ में आ सकता है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया है इन एडवांस. देन क्रॉस योर आर्म्स, आपको ऐसे करके नहीं बैठना है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ पोस्चर. ओके, देन क्रॉस योर लेग्स, ऑफकोर्स आपको लेग्स भी क्रॉस करके नहीं बैठना है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट एंड इरेक्ट. एक्सपेक्ट टू जस्ट विंग इट, या आपको ये नहीं सोचना है कि इट इज़ जस्ट एन इंटरव्यू, उसमें क्या है, ये हो जाएगा. यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू बी सीरियस विथ इट. राइट, ओके, हु आर दे, सो केबिन क्रू, एयर होस्टेस क्या होते हैं. ओके, तो जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो कहलाते हैं फ्लाइट स्टीवर्ड, एंड द फीमेल कैंडिडेट्स आर कॉल्ड एयर होस्टेसेस. ओके, और इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है केबिन क्रू. राइट, ओके, सो एसोसिएट्स ऑफ एन एयर क्रू, दोज आर एम्प्लॉयड बाय वेरियस एयरलाइंस, ठीक है, also called as flight attendants, air hostesses and cabin attendants or cabin crews. ठीक है, और क्या क्या बोला जाता है इनको, flight attendants, air hostesses and cabin attendants or cabin crew. आपका role क्या है इसमें, to ensure the comfort and safety of the passengers, ये मैंने आपको पहले बताया है. Then provide hospitality service in the airlines. Yes, hospitality services आपको देना है, you have to care for the passengers if needed. एनी टाइम, ओके, एंड कस्टमर सर्विस ड्यूटीज, जैसे उनको फूड्स एंड ड्रिंक्स सर्व करना, ये भी आपके जॉब का एक पार्ट है. ओके, नाउ एलिजिबिलिटी हमने अभी देखी थी, एलिजिबिलिटी होती है बिलो 25 ईयर्स, देन मिनिमम हाइट जो आपकी चाहिए वो 5.5 टू 5.9 फीट के बीच में चाहिए, वेट ऑफकोर्स इन प्रपोर्शन टू हाइट. देन यू हैव टू बी अनमैरिड फॉर दिस, देन 20x30 विजन और इवन बेटर इज रिक्वायर्ड. देन एजुकेशन इसमें चाहिए ग्रेजुएट डिग्री या फिर 12th का जो क्लास आपने पास किया है वो विथ अ 3-year डिप्लोमा. यस, देन नो टैटूज, पियर्सिंग्स और वाइल्ड हेयर स्टाइल्स. यस, टू अप्लाई फॉर केबिन क्रू, इन द लास्ट सेशन वी हैड सीन कि टैटूज और पियर्सिंग्स और ये सब चीज़ें आपके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इससे आप लोग अपने पॉइंट्स लूज कर सकते हैं, सो दीज आर नॉट अलाउड. देन लैंग्वेज, नेशनल एंड वन इंटरनेशनल लैंग्वेज. ऑलराइट, ओके, तो जो कोर्सेज होते हैं केबिन क्रू के लिए उसमें क्या क्या होता है, डिप्लोमा इन केबिन क्रू सर्विसेज एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, देन इन एयरलाइन केबिन क्रू एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन एयर होस्टेस फ्लाइट पर्सन. ओके, तो हाउ टू बिकम अ फ्लाइट स्टीवर्ड एंड अ केबिन क्रू मेंबर. ओके, तो आपको अलग अलग एयरलाइंस में अप्लाई करना होता है अलग अलग पोस्ट के लिए, जिनके एडवर्टीजमेंट्स यू नो न्यूज़पेपर्स और बाकी के जो मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं वहाँ पर अवेलेबल होते हैं. देन आप एक बार शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, यू हैव टू अपियर फॉर इट. रिटन टेस्ट में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो देन ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं. ओके, GDPI राउंड के बाद, दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, इसके बाद अगर एस्पिरेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो एयरलाइंस उन्हें ट्रेनिंग देती है फॉर 2 to 3 months. ऑलराइट, और आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपको फिर ट्रेनी फ्लाइट्स पर असाइन कर दिया जाता है फॉर डिफरेंट ड्यूटीज. राइट, आई होप आई एम क्लियर. ओके, तो ये दिस इज योर सिलेक्शन प्रोसेस, filling online application and then you know remote online assignments, assessment day par interview and group task. Checked before training, kya kya check hota hai, aapki medical suitability, yeah, your medical fitness, your medical suitability, ye sab check hota hai. Training hoti hai 8 weeks ki and then you're okay to work. Okay, now skills required, jaisa ki maine aapko pehle bhi bataya hai, good and very good communication skills, patience, confidence, you know, a pleasing personality, a friendly nature,
excellent coordination skills, a very good hospitality attitude. All these things are required for this job. Okay, then problem solving abilities, of course. Agar passenger ko koi problem hai, then you have to be able to solve it, right? Some prominent institutions in India, जो ये courses आपको provide करते हैं, जो ये job provide करते हैं, Asiatic International Aviation Academy, Kingfisher Training and Aviation Services, Avalon Academy, Air Hostess Academy, J Aviation Academy, Indian Aviation Academy and All India Institute of Aeronautics. Please note these down, आपको ये institutes के नाम पता होना चाहिए, right? So that it's easy for you to apply. Then the jobs and career, excellent growth opportunities for youngsters, not only in India but also abroad. Yes, you all know that. India hi nahi, India ke bahar bhi aapko kafi achhi job opportunities milti hai with these courses. And you can visit all over the world and see various cultures while earning a reasonably good salary at the same time. Right? Kai logon ka passion hota hai kafi jagahon par ghumna. So yes, you get to do that in this job. आपको वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग जगहों पर जाने की, देन उसे एंजॉय करने की, एंड साइड बाय साइड आपको एक अच्छी इनकम भी मिलती है उससे, राइट? ओके, बाकी और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी इस काम में? सो फ्लाइट स्टीवर्ड वर्क्स इन टीम्स टू मेक द पैसेंजर्स कंफर्टेबल इन द फ्लाइट एंड टू चेक द सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स, राइट? तो पैसेंजर्स कंफर्टेबल रहें और उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ये आपका काम रहेगा. इसका इसमें आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके अलावा और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वी आर लुकिंग एट देम. ओके, देन आपको उनकी फर्स्ट एड किट्स, उनके इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना होता है. देन वेलकमिंग देम, राइट? वेलकमिंग देम इज द फर्स्ट स्टेप. आपको बहुत ही अच्छे से ग्रीट करना है, वेलकम करना है पैसेंजर्स को. चेक देयर टिकट्स एंड सर्व रिफ्रेशमेंट्स एंड फूड ऑन देयर जर्नी, राइट? ओके, आपको उनको ये भी एजुकेट करना होता है कि सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को किस कंडीशन में कैसे यूज़ करना है. यू हैव टू मेक देम अवेयर ऑफ दिस. ओके, देन द सेफ्टी बेल्ट एंड एवरीथिंग. फ्लाइट स्टीवर्ड एंड केबिन क्रू आर मोस्टली एम्प्लॉयड बाई द कमर्शियल एयरलाइंस. ओके, कमर्शियल एयरलाइंस ही ज़्यादातर एम्प्लॉय करती हैं फ्लाइट स्टीवर्ड या केबिन क्रू को, लेकिन उसके अलावा वो प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, राइट? एंड दे कैन सीक जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, फाइन? ओके, तो ये आपकी सैलरी. फ्लाइट स्टीवर्ड की सैलरी क्या हो सकती है? 2.5 to 4.5 lakh पर ईयर एज अ बिगिनर, ओके, इन द पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में इवन 6 lakh पर एनम तक हो सकती है. Cabin crew member working with the international airlines can get salary in between 9 to 10 lakh. Okay, तो हमने कौन सी public sector, private sector और even international airlines की ये salaries mentioned हैं. Okay, now yes, resume of, okay, so जैसा मैंने last session में भी बताया था, आपके लिए resume बहुत ही ज़रूरी है. आजकल resume के through ही selections होते हैं, applications होती हैं, okay? तो फॉर रिज्यूमे ट्रेनिंग या रिज्यूमे में कोई भी हेल्प चाहिए तो ऑफकोर्स एशियाटिक इंटरनेशनल बिजनेस अकेडमी एंड एयर क्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड आर देयर टू हेल्प यू. यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर द सेम. या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस. ओके ओके, सो ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, ऑनलाइन ग्राउंड क्लासेस फॉर पायलट्स. ओके, ये भी अवेलेबल है एयर क्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में. एंड देन ऑनलाइन करियर काउंसलिंग for airline pilot training by Captain Shekhar Gupta. Of course, you have to go for this. ये बहुत ही helpful और बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके आगे के, आपके future के लिए, you know, और आपकी counseling में बहुत help हो जाती है इससे, right? Okay. Then online career counseling for aerospace engineering, aircraft maintenance engineering by Manbir Kaur. या ऑनलाइन करियर काउंसलिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए भी अवेलेबल है. एंड दिस इज बीइंग डन बाय मनबीर कौर, शी इज़ एन एरोस्पेस इंजीनियर. अल्फा एयरलाइन ट्रेनिंग, ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं दिल्ली एंड मुंबई में. ऑलराइट, एंड दीज आर बी कनेक्टेड बाय एयर एविएटर डॉट कॉम. देन केबिन क्रू एंड एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसमें आपकी ट्रेनिंग और कोचिंग होगी बाई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बाई इंडस्ट्री वेटरन्स, राइट? दीज आर द नंबर्स, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी के जो भी डिटेल्स आपको चाहिए यू विल ईजिली गेट देम.
Then this is a fantastic book by Captain Shekhar Gupta. It's Pilot's Career Guide. So in this, you will learn how to become an international airline pilot. You must go through this book. इसमें काफ़ी सारे tips and points हैं जिसमें आपको बहुत help मिलेगी आपका career अच्छे से बनाने के लिए as an international airline pilot. So you must go through it. It is also available on Amazon. So thank you so much. I hope you have been able to understand all this. Thank you so much for your time. Bye-bye. Take care.